नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋतिक बोथरा और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल ग्रिमा बोथरा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के सभी विश्वविद्यालय और कॉलेज विद्यार्थियों के प्रमोशन के लेकर। दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होने वाली है उसके बारे में मैं आपको बता दूँ। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की ओर से हम सब विद्यार्थियों की ओर से जो वकील केस लड़ रहे हैं दोस्तों, अलक आलोक श्रीवास्तव जी, उन्होंने खुद ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि जो सुनवाई है वो कल होने वाली है। और दोस्तों, जो आज सुनवाई है वो दिल्ली हाईकोर्ट में हुई है, उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं, न्यूज 18 इंडिया उसने पहले बता दिया था कि सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई है, जबकि अन्य सारे सोर्सेस बता रहे थे कि हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है, तो उसको लेकर थोड़ा कंफ्यूजन बन गया था। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं कि आज जो सुनवाई हुई है वो दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है और बाकी जो सुनवाई होनी है दोस्तों वो है 24 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट में होगी। लेकिन इन सब के बीच में सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों कल से है वो सुनवाई होने वाली है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इसे बहुत जरूरी मामला मानते हुए तुरंत सुनवाई के लिए अनुमति दे दी है। नहीं तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में कोई भी राजनीतिक मामलों के अलावा ज्यादातर मामला जाते हैं तो उनको तुरंत सुनवाई के लिए नहीं दी जाती है। लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है कि देश के करोड़ों विद्यार्थी है वो इससे डायरेक्टली इफेक्ट होते हैं, उनके लाइफ को लेकर मेंटल प्रेशर को लेकर के दोस्तों बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की अनुमति दे दी है। पूरी वीडियो में दोस्तों मैं आपको जानकारी देने वाला हूं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए जिससे सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आपके पास पहुंचे सही व सटीक न्यूज। ये दोस्तों आप देख सकते हैं अलक आलोक श्रीवास्तव जी, जो कि हमारी ओर से, हम सब स्टूडेंट्स की ओर से केस लड़ रहे हैं, उन्होंने ये लिखा है, आई एम ग्रेटफुल टू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट फॉर एक्सेप्टिंग माय प्रेयर टू अर्जेंटली लिस्ट माय यूजीसी पेटिशन टुमोरो। यानी दोस्तों, जो उन्होंने यूजीसी की गाइडलाइंस के विरोध में पेटिशन दायर की है उसको अर्जेंटली पेटिशन मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने है वो सुनवाई को है वो अनुमति दे दी है। वी आर प्रिपेयर टू असिस्ट दी ऑनरेबल कोर्ट टुमोरो, यानी वो कल सुनवाई में है, वो कोर्ट के लिए पूरी तरीके से तैयार है। टुमोरो वी विल प्रे टू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट टू ग्रांट काइंड इंक्लूडेंस टुवर्ड्स द पायलट प्लाइट ऑफ फाइनल ईयर स्टूडेंट्स। यानी दोस्तों, उन्होंने कोर्ट से अपील की है कि कल वो है विद्यार्थियों के हितों में ही है, वो कोई ना कोई दोस्तों डिसीजन दे। ये दोस्तों आप देख सकते हैं उनके पेटिशन को लेकर के, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों 20 तारीख को है वो पेटिशन इनकी ओर से दायर की गई थी और उसके बाद में मैं आपको बता दूँ फाइल्ड है वो 20 तारीख को हुई है दायर, 15 को की गई थी। उसके बाद में आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूँ आपके 23 जुलाई 2020 यानी कल दोस्तों इसकी है वो सुनवाई होने वाली है। ये देख सकते हैं दोस्तों, इंडिया टीवी की ओर से भी ये कन्फर्म कर दिया गया है कि जो सुनवाई है वो कल होने वाली है। मैं आपको जो एडवोकेट है उनकी और साथ ही साथ में जो इंडिया टीवी की न्यूज़ की लिंक है वो भी दोस्तों डिस्क्रिप्शन में है वो प्रोवाइड कर दूंगा। ये भी देख सकते हैं दोस्तों पूरी न्यूज़, और मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ, यूजीसी गाइडलाइन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कल होगी सुनवाई, लिस्ट हुआ केस। ये दोस्तों आप देख सकते हैं यूजीसी की ओर से कौन वकील लड़ेंगे दोस्तों, ये भी देखने वाली बात होगी। मोस्ट प्रोबेबली तुषार मेहता जी है वो ही शायद यूजीसी की ओर से केस लड़ेंगे, लेकिन हमारी ओर से 31 छात्रों की ओर से जो एडवोकेट अलक आलोक श्रीवास्तव जी है वो अपना पक्ष रखने वाले हैं। यूजीसी और महाराष्ट्र सरकार ने दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, वकालतनामा है वो दाखिल कर दिया है। फाइनल एग्जाम पर छात्रों के लिए बड़ी खबर है, यूजीसी गाइडलाइन के खिलाफ कोरोना संक्रमित छात्र समेत 31 स्टूडेंट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होगी। छात्रों के वकील की ओर से अर्जेंट एप्लीकेशन को स्वीकार करते हुए है वो केस की कल सुनवाई के लिए लिस्ट कर दिया गया है। छात्रों की ओर से इस याचिका को एडवोकेट अलक आलोक श्रीवास्तव की ओर से दाखिल किया गया है। उन्होंने ट्विटर के जरिए बताया है कि सुप्रीम कोर्ट में जल्द इस मामले पर सुनवाई की गुजारिश की गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर करते हुए केस लिस्ट कर दिया है। कल इस मामले में सुनवाई होगी। उन्होंने उम्मीद जताई है कि छात्रों के हित में सुप्रीम कोर्ट है वो छात्रों को राहत देगी। ये पहला मामला है जब यूजीसी की 6 जुलाई की गाइडलाइन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। अब छात्र इस मामले में बड़ी राहत की उम्मीद कर सकते हैं। इस मामले में यूजीसी और महाराष्ट्र सरकार के वकीलों की ओर से वकालतनामा दाखिल कर दिया गया है। उम्मीद है कि फाइनल एग्जाम को अनिवार्य किए जाने वाले दिशा निर्देशों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की ओर से छात्र हित में कोई महत्वपूर्ण आदेश मिले। ये देख सकते हैं दोस्तों, उम्मीद कर सकते हैं कि यूजीसी की गाइडलाइन के विरोध में और जो सभी छात्र हैं दोस्तों उनके फेवर में कोई ना कोई डिसीजन है वो सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिया जा सकता है। छात्रों की ओर से एक महत्वपूर्ण दलीलों को इस याचिका में पेश किया गया है। इसमें छात्रों को एक राज्य से दूसरे राज्य में यात्रा
परीक्षाओं के लिए पीजी या हॉस्टल में ठहरने के लिए आने वाली दिक्कतें, कई राज्यों में बाढ़ के कारण होने वाली परेशानियों को भी उठाया गया है। छात्रों की आर्थिक, मानसिक और शारीरिक समस्याओं का हवाला देते हुए और जीवन के अधिकारों के उल्लंघन को आधार बनाकर भी फाइनल एग्जाम को कैंसिल करने की मांग की गई है। इसमें छात्रों ने पूरी तरह असेसमेंट के आधार पर रिजल्ट तैयार कर डिग्री अवार्ड करने संबंधी निर्देश जारी करने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों मैं आपको बता दूं, दो और याचिका है वो दायर की जा चुकी है। इस याचिका के अलावा महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री और युवा सेना के अध्यक्ष आदित्य ठाकरे की ओर से 18 जुलाई को फाइनल एग्जाम के खिलाफ याचिका दाखिल की जा चुकी है। उधर आज मध्य प्रदेश भोपाल के छात्रों द्वारा भी याचिका दाखिल की गई है। इसमें भी यूजीसी गाइडलाइन को कैंसिल करते हुए मांग की गई है कि सभी सेमेस्टर के एग्रीगेट मार्क्स देकर एक्स्ट्रापोलेटिंग लागू करके आधार पर फाइनल सेमेस्टर के मार्क्स है वो कैलकुलेट किए जाए, या सुप्रीम कोर्ट जो बेहतर समझे वो वैकल्पिक व्यवस्था लागू करने के निर्देश जारी करे, क्योंकि परीक्षाएं हुई तो हजारों छात्रों की जान संक्रमण के कारण खतरे में पड़ सकती है। तो दोस्तों अब देखना यही होगा कि सुप्रीम कोर्ट है वो इसको लेकर के है वो क्या डिसीजन देता है। हम सुप्रीम कोर्ट से और हमारे वकील की ओर से दोस्तों यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों विद्यार्थियों के हित में फैसला आएगा। जो भी दोस्तों डिसीजन को लेकर के कोई भी अपडेट आती है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, तो मैं आपको दोस्तों वीडियो बना करके अपडेट कर दूंगा। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर जरूर करें।